भाई अल्ताफ भाई को बुलाऊं। उससे पहले जिन्होंने इस मुशायरे को सजाया है, सभी कवियों कवि शायरों को आमंत्रित किया है, वो आपके जनपद का, आपके नगर का एक बहुत ही प्यारा नाम है, अकबल बलरामपुरी। और इनके लिए मैं एक इनके बारे में एक विशेष बात बता दूं कि अभी जो अली खान साहब फिल्मी दुनिया के अभिनेता थे, आए थे, इस तरह के तमाम अभिनेताओं से इनका उठना बैठना रहता है। ये आपकी भी खुशकिस्मती है और आपका आशीर्वाद है जिसके जरिए अकमल भाई इतनी ऊंचाइयां प्राप्त कर रहे हैं। हाल में अभी इन्होंने दुबई का मुशायरा पढ़ करके अभी आए हैं। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा इनके विषय में कोई लंबी चौड़ी भूमिका न बना करके मैं सीधे सीधे आपसे निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि एक बार जोरदार तालियों का महोत्सव करें। और मैं देखना चाहता हूँ कि आप अपने नगर के, अपने शहर के रचनाकार को कितना प्यार देते हैं, कितने सम्मान के साथ सुनते हैं। एक बार जोरदार तालियां भाई अकमल बलरामपुरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग तो फिलहाल मुझे सुनते रहते हैं। बस कुछ बातें करनी थी आपसे कि ये मुशायरा जो है ये कई लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है ये मुशायरा, क्योंकि इस सरजमी पे भले ही ये अली सरदार जाफरी की सरजमी हो या पद्मश्री बैकल उत्साही की सरजमी हो, मगर अदबी सरगर्मियां बहुत कम रही हैं यहाँ पर। मगर मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कैम्ब्रिज स्कूल के प्रबंधक अतहर अफरोज खान मिंकू भाई का और हमारे चेयरमैन साहब, हमारे चेयरमैन साहब पप्पू भाई, फिरोज भाई, हारून रशीद भाई, डब्बू भाई और अफरोज भाई, शादाब रफी भाई, यहाँ पे तमाम लोगों के मैं नाम जानता हूँ, एक एक चेहरे से वाकिफ भी हूँ, शफीक साहब कि लोगों की कुर्बानियाँ हमेशा ये रहती हैं कि जब भी मैं कभी कोई काम करने की ठान लेता हूँ तो ये हमेशा कहते हैं कि आप अपना काम करिए और जहाँ कहीं भी आपको मेरी जरूरत महसूस होगी हम वहाँ पे आपके लिए सुतून बनकर आपके सामने खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों का। आज मैं मानता हूँ कि अली भाई साहब और युवराज सिंह के आने की वजह से बहुत सारी आप लोगों को दिक्कतें हुई और यकीन जानिए मुझे भी बहुत तकलीफ हुई, मगर आप मेरी परेशानी समझ सकते हैं, उसके लिए मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ। अभी चांदनी शबनम पढ़ रही थी, जहां तक इश्क को लेकर के जो मेरा तजुर्बा है, क्योंकि साहिल लुधियानवी ने कहा था मोहब्बत को लेकर के कि मुझसे ज्यादा है जब तुमको जमाने का ख्याल, फिर मेरी याद में तुम मश बहाती क्यों हो। मुझसे ज्यादा है जब तुमको जमाने का ख्याल, फिर मेरी याद में तुम मश बहाती क्यों हो। अख्तर भाई और जफर मोहम्मदी मेरे बड़े भाई और रईस अंसारी, इसरार भाई, गुड्डू हयात, ये तमाम लोग आए बाहर से चल के। बताता हूँ कि साहिल लुधियानवी ने कहा था इश्क को लेकर कि मुझसे ज्यादा है जब तुमको जमाने का ख्याल, फिर मेरी याद में तुम मश बहाती क्यों हो। तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी, तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। चार नसों से अपनी शुरुआत करता हूँ, बहुत ही अद्भुत महफिल है क्योंकि लास्ट में जो लोग बचते हैं वो बहुत क्लास के लोग होते हैं और उनके सामने उसी तरह की शायरी की जाए। मेरे दोस्त सब अयूब भाई, इम्तियाज भाई प्रधान जी, ये तमाम लोग बैठे हुए हैं, सबकी शिरकत चाहता हूँ कि उसको अच्छी नहीं लगती है बुलंदी मेरी, उसको अच्छी नहीं लगती है बुलंदी मेरी, उसको शायद मेरी परवाज बहुत खलती है, उसको अच्छी नहीं लगती है बुलंदी मेरी, उसको शायद मेरी परवाज बहुत खलती है, जो मेरे सांस पे हर लम्हा थिरकता था कभी, अब उसी को मेरी आवाज बहुत खलती है, अब उसी को मेरी आवाज बहुत खलती है। मेरा दोस्त सोनू और रियाज भाई, साकिब महमूद भाई, अनवर महमूद साहब के साथ जाते, सबकी शिरकत चाहता हूँ। चार मिसरा और पढ़ता हूँ। अभी चांदनी शबनम साहिबा पढ़ भी रही थी कि बिछड़ के तुझसे पढ़ता हूँ कि बिछड़ के तुझसे कोई भी नहीं सदा देंगे, बिछड़ के तुझसे कोई भी नहीं सदा देंगे, अब इससे ज्यादा तुझे और क्या सजा देंगे। बिछड़ के तुझसे कभी भी नहीं सदा देंगे, फिरोज पप्पू भाई, बिछड़ के तुझसे कभी भी नहीं सदा देंगे, अब इससे ज्यादा तुझे और क्या सजा देंगे। बहुत गुरूर है तुझको चिराग होने का, बिछड़ के तुझसे कभी भी नहीं सदा देंगे, अब इससे ज्यादा तुझे और क्या सजा देंगे।
बहुत गुरूर है तुझको चिराग होने का, हमारा नाम हवा है तुझे बुझा देंगे, हमारा नाम हवा है तुझे बुझा देंगे। बिछड़ के तुझसे कभी भी नहीं सदा देंगे, अब इससे ज्यादा तुझे और क्या सदा देंगे, बहुत गुरूर है तुझको चिराग होने का, हमारा नाम हवा है तुझे बुझा देंगे। अज मोहब्बत की बात करते हैं, चार में सौ पढ़ता हूँ कि तेरे ख्याल की हद से मैं जान नहीं सकता, तू चाह कर भी मेरे पास आ नहीं सकता। इम्तियाज भाई, अयूब भाई, मेरे बहुत प्यारे दोस्त शाहिद भाई नहीं आ पाए प्रधानमंत्री भूल, उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है कि बिछड़ के कि तेरे ख्याल की हद से मैं जान नहीं सकता। खुर्शीद भाई, तेरे ख्याल की हद से मैं जान नहीं सकता, तू चाह कर भी मेरे पास आ नहीं सकता। शमीम भाई, तेरे ख्याल की हद से मैं जा नहीं सकता, तू चाह कर भी मेरे पास आ नहीं सकता, अगर तू प्यार से कह दे तो जिंदगी तेरी, तेरा गुरूर मगर मुझको पा नहीं सकता, तेरा गुरूर मगर मुझको पा नहीं सकता। और चार में सौ पढ़ता हूँ कि आधी अधूरी आस का रिश्ता बाकी है, आंखों से प्यास का रिश्ता बाकी है, आधी अधूरी आस का रिश्ता बाकी है। शादाब भाई, आधी अधूरी आस का रिश्ता बाकी है, आंखों से ही प्यास का रिश्ता बाकी है, बरसों बाद मिला तो मुझसे वो बोला, तुझसे तो एहसास का रिश्ता बाकी है। और चार मिसर और पढ़ूंगा उसके बाद बैठ जाऊंगा मैं, कि चार चार मिसर करके दो, कि कोई अपना बनाता जा रहा है, बहुत छोटी बहन है, कोई अपना बनाता जा रहा है, मुझे मुझसे चुराता जा रहा है, मैं उससे दूर जाना चाहता हूँ, वो मेरे पास आता जा रहा है। और इसका आखिर का शेर है, अगर जो यहाँ पे सामी ने समझने वाले, कि समंदर समंदर तेरी इतनी हैसियत है, पप्पू भाई, समंदर समंदर तेरी इतनी हैसियत है, तेरे दर से वो प्यासा जा रहा है, समंदर तेरी इतनी हैसियत है, तेरे दर से वो प्यासा जा रहा है। आखिर के चार मिसर पढ़ूंगा फिर मैं बैठ जाऊंगा, क्योंकि हमारे मेहमान शायर हैं, कि याद करते हुए आंखों में नमी ढूंढेगा, मुझको मालूम है वो मुझ में कमी ढूंढेगा। फैसल भाई, लड्डू चचा, याद करते हुए आंखों में नमी ढूंढेगा, मुझको मालूम है वो मुझ में कमी ढूंढेगा, कामयाबी की हर एक सीढ़ी मुबारक हो उसे, एक दिन उतरेगा नीचे तो जमीन ढूंढेगा, एक दिन उतरेगा नीचे तो जमीन ढूंढेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।